Welcome back to Hutch, the Great Indian Laughter Champions. And you're watching the Best of the Rest special with me, Parizat Kola. Now, before we move on in the Champions series, here is all that you have not seen before. वैसे तो हंसने के बहाने लाखों हैं, बस आपके दांत पीले नहीं होने चाहिए। लेकिन बेटा राजू, चाहे जो भी हो, तुम्हारे दांतों के साथ साथ तुम भी स्टेज पर खूब चमकते हो। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Raju Srivastav. बहुत मोटी औरत, जयललिता की भी नानी, खाते पीते घर की। रोड रोलर। जी हाँ। अपने हस्बैंड की बाइक में बैठने की कोशिश कर रही हैं। उनके हस्बैंड बाइक स्टार्ट करके वेट कर रहे हैं। हाँ बैठो। चश्मा। हाँ बैठो। अरे तो बैठो ना। अरे कितनी झुका हूँ, बंद हो जाएगी। बैठो सही। और मोटी आंटी, रुको। थैलो पकड़, थैलो पकड़, झुका, झुका। अरे कितनी झुका हूँ, अरे बंद हो जाएगी। ठहर ठहर, वो सैंडल पकड़, सत्यानाजा पेंसिल हील, झुका। ये बैठ नहीं पा रही। कोपचे में कोने में एक सिंगल हड्डी आदमी देख रहा है, पतला। नजदीक आया, उसने फौरन बीड़ी फेंका। नजदीक आया, मोटी औरत को उठाया और बाइक की पिछली सीट पे रख दिया, थपाओ बिठा दिया। बिठाने के बाद खुद भी बैठ रहा, चलो खिसको खिसको। ए हट, तू क्यों बैठ रहा है? अब तुमको उधर उतारना भी तो पड़ेगा। अमिताभ बच्चन साहब, जय जी ने उनको थैला दिए, बोले जाओ हरी धनिया नींबू कादा प्याज तुम लेके आओ, भाजी भाजी तुम लाया करो, सुबह जाना चाहिए तुम्हें मार्केट। अमिताभ बच्चन साहब, अरे अरे भाई ये कहाँ मिलती है, किधर मिलती है, थोड़ा सा अगर आइडिया दे देंगे। जब जा रहे हैं भाई, जा रहे जा रहे। ये मार्केट वाला मामला जो है बड़ा गड़बड़ है भाई, ये पहले तो कभी गया नहीं हूं तो थोड़ा पूछना पड़ेगा भाई। हाँ। आगे मार्केट में अब सब्जी वाले जमीन पे बैठे हैं, तो अमिताभ बच्चन वहां आते हैं। भैया ये नींबू कैसे दिए भाई, कमाल है, तो सुन नहीं रहे। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये नींबू, हाँ ये, 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 ये कैसे दिया आपने? अरे साला तुमको पूछता है, मैं अमिताभ बच्चन, वल्लभ मिश्रा बच्चन, तुम्हारी दुकान के सामने खड़े होकर नींबू का भाव पूछता, तुम साला भाव खाता है। अरे भैया देखिए, मैं नींबू खरीदना चाहता हूँ और ये बता नहीं रहे, क्या पूछ के बताइए ये क्या प्रॉब्लम है। किसी ने बोला भाई क्यों नहीं बता रहे उनको भाव? अरे उनको बता के फायदा नहीं है, लंबे बहुत हैं, उनको बोलो झुक के देखे नींबू नहीं संतरा है। थैंक यू। प्लेयर तो हमारे बेचारे टेंशन में खेलते रहते हैं, धूप में, अंडर प्रेशर, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर में एसी रूम में बैठ के टीवी के सामने मुंह से खेलते हैं। अरे इस गेंद को इधर मारना चाहिए, इस तरफ इधर मार देते, पूरी जगह मतलब खाली पड़ी। एक्चुअली क्या करना चाहिए, राहुल को अगर पहले भेजते तो राहुल बोले मतलब कर सकते हैं, मतलब कर सकते ना, जगह खाली है, इसको करके एक्चुअली सौरव को थोड़ा पहले ले गए, करना चाहिए था इसे। मुंह से खेलते रहते हैं और स्पॉन्सर कंपनियां क्रिकेटर्स के पीछे इतना पड़ती हैं कि कहां पे पाए तो कहां पे क्या लिख दें, लोग भाग के आते हैं, सचिन जी आपके इधर खाली कुछ लिख दें, सहारा लिख दें, सहारा दो दो करोड़ है, तीन तीन दो, तीन दो जल्दी, तो नहीं आपको और लिख देगा, तीन दो, इनको तीन करोड़ दो। अजय अजय सचिन जी, सचिन जी इधर इधर आपका खाली पड़ा हो, MRF लिख दे, MRF नहीं, वो कोई कॉलगेट आ रहे हैं लिखने के लिए, नहीं ये पहले लिख दे, पहले दे, पांच करोड़ दें, पांच दे जल्दी लिख। उनको खड़े करके MRF इधर पोत दिया, नाखून खाली है, नूरानी तेल लिख दे नाखून में, नूरानी तेल, नूरानी तेल लिख दे। बैट बैट खाली, इनका बैट में कुछ नहीं ना, अभी किसी से बात नहीं हुई आपकी, ए इधर आ जल्दी, चैन प्रश लिख दे, चैन प्रश, नहीं नहीं बॉरेंटर से बात हो गई, नहीं नहीं एक सेकंड, 10 करोड़ ले ले, पैसे दे जल्दी। अब बेचारा खेलते वक्त उसको टेंशन होता है कि सारे प्रोडक्ट के नाम बराबर दिखाने कैमरे में, तो शॉट मारते वक्त कैमरे की तरफ भी बैठ करते हैं, शॉट मारा कैमरा इधर है, दिखा दिया, क्लोजअप में आ गया, फिर उसको लगा कि शायद मैंने प्रोडक्ट बराबर नहीं दिखाया, तो सामने वाले बैट्समैन को बुलाया और डिस्कस करने के बहाने बैट यहां लगा के यूं खड़े हो गए। वो तो ठीक है, अच्छा दिख रहा होगा ना बराबर, बैट में लिखा हुआ प्रोडक्ट का नाम, वो उनको दिखा दिया।
और मैंने नोट किया है कि क्रिकेट वाकई पूरा स्टारडम है, क्रिकेट में पैसा भी है स्टारडम भी है, बाकी खेल हमारे दब गए हैं, फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर आपको अक्सर ट्रेन में मिल जाएंगे, आरएसी में, एक ही बर्थ में शेयर कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी नहीं देती, स्पॉन्सर्स भी बड़े बड़े नहीं मिलते उनको, तो जब ये विदेश जाते हैं खेलने तो बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव में बहुत हीन भावना से उतरते हैं वहां पे। अब ब्रिटेन चले गए, वहां सामने अर्जेंटीना की टीम उतरी, वो टीम एकदम खुश, उनकी पेमेंट भी इतनी, मैदान में उतरे 8-8 फिट के, सैंडविच लिए हुए, हैमबर्गर लिए हुए, इंपोर्टेड अंडरवियर पहने हुए, वो सारे गोरे गोरे उतरते हैं ऐसे, इतने लंबे लंबे, उसमें अपने चार चार बन जाए प्लेयर, मैदान में उतरेंगे सैंडविच खाते हुए, जूस का ग्लास लिए हुए, उनको देख के अपनी पूरी फुटबॉल टीम एक जगह जमा हो जाती है, जमा होके बोलते हैं इनसे खेलना क्या, इन लोगों से। और वो अंग्रेज प्लेयर यूं वार्म अप हो रहे हैं, मैच आज ही है क्या अपना, यार कल ही उतरे थे आज ही रख दिया, दो चार दिन देखने तो देते मैच। और उसके बाद इतना सोच ही रहे थे, प्रिपेयर हो भी नहीं पाए कि रेफरी ने विसिल दे दिया, मैच शुरू हो गया। अब अपना प्लेयर फुटबॉल लेके आगे बढ़ा, खेल भी रहा है और उसके दिमाग में अपने घर की प्रॉब्लम याद आ रही, हिंदुस्तान की, मेरी माँ बीमार है यार, बारिश में मकान गिर गया था, सरकार बोल रही थी बनवा दूंगी, अभी तक नहीं बनवाया यार, मेरा पासपोर्ट भी कल ही चोरी हुआ है, पता नहीं दोबारा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इसी टेंशन में, घबराहट में अपने ही गोल में गोल कर देते और दूसरी टीम बगैर कुछ के जीत जाती। राजू जी, आपने हमें बहुत हंसाया है, अब जरा आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद एहसान भाई हमें हंसाने आएंगे। हच द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियंस विल श्योरली रोल यू ओवर, जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक बिफोर दैट।